the police has dealt with peaceful demonstrations. We have the example in Delhi where the police entered the Jamia women hostel and dragged the women students out. It mercilessly beat other students, not only here in Delhi, who were demonstrating, which is their democratic right, as is our, to demonstrate. I think you all have seen that that the BJP government, that the Modi government, seems to have no compulsion when it comes to shutting down people's voices and implement legislations which do not seem to be acceptable to the people and to us in a democracy. He's alleging, madam, he's alleging that the Congress... I would like other... We have appealed to the President. We have asked the President. We have asked the President to please advise the government to withdraw this diabolical, divisive act. He, as the head of the state, उनको गवर्नमेंट को एडवाइस देना है, ये रिपील करना है, विड्रॉ करना है, ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि दिस एक्ट ओनली विल अफेक्ट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, नोबडी हु इज रिच विल बी अफेक्टेड. सो वी हैव एडवाइस दिस एंड वी, एज मैडम हैज सेड, वी हैव आल्सो एडवाइस्ड हिम ऑफ द स्टूडेंट्स, देयर इज एन अपीवल इन द होल कंट्री. सो दैट इज व्हाट वी हैव डन. 12 पॉलिटिकल पार्टीज. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the custodian of our constitution, and as the custodian of the constitution, we said that he cannot allow his government to violate the constitution and violate it in such a brazen manner. Sanrakshak hai hamare samvidhan ki, hamara samvidhan ka is tarike se nanga ullanghan jo ho raha hai, ye swikar nahi hai desh ke logon ko, hum sabko, vipakshi partiyon ko. Aur humne aavedan kiya rashtrapati ji se ki wo अपनी एडवाइस दे, अपनी सलाह दे उनकी सरकार को कि इस कानून को वापस ले. और ये हमारा आग्रह है राष्ट्रपति महोदय से, और यही आग्रह हम सभी लोगों ने वहां पर उनको बता के आ रहे हैं. ये राष्ट्रपति महोदय से हम लोगों ने ये आग्रह किया कि जो आशंका हमने संसद के अंदर व्यक्त की थी कि इस कानून के बनने के बाद देश में गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, लोगों के मन में भय है और वो सही साबित हो रहा है. ये देश को विघटन की तरफ ले जाने वाला कानून है, और जो वो रजिस्टर है NRC, वो और ये दोनों मिलकर देश के लोगों के मन में उन्होंने भय भर दिया है. और जब आतंकित लोग अंदर से हो जाते हैं और गवर्नमेंट कोई सुनने को तैयार नहीं होती है, तो उसके कितने परिणाम खराब होते हैं ये आप सब जानते हैं. और इतिहास अगर पढ़ा होगा और पिछली तरफ मुड़ के देखेंगे तो देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट को तो पूरी तरह से काट दिया देश से. पाकिस्तान यही चाहता है और पड़ोसी देश भी यही चाहते हैं कि हमने उनके देश को तोड़ा, वे हमारे देश को तोड़े. और ये मौका हमारी गवर्नमेंट उन्हें दे रही है, इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदय से ही अनुरोध किया है कि वो हस्तक्षेप करें, गवर्नमेंट से कहें कि गवर्नमेंट दो कदम पीछे हटे, इस विधेयक को वापस ले. अगर देश में शांति ये चाहते हैं और देश को एकजुट रखना चाहते हैं, तो अगर केवल सत्ता में बने रहने के लिए देश को बांटने की कोशिश करते हैं तो अलग बात. 14 अभी दो चार पार्टियों ने, अभी उन्होंने 14-15 राजनीतिक दल, दो तीन तो यहाँ पहुंच नहीं पाए क्योंकि आज मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट्स लेट हैं. उन्होंने मेमोरेंडम दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मेमोरेंडम सबकी पार्टीज की तरफ से दिया. और मेमोरेंडम में क्या लिखा कि किस जल्दी से सरकार कितनी जल्दबाजी से काम कर रही थी ये बिल लाने की, और उनको मना भी किया था
उनके एडवाइजर्स ने भी और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी कि ये बिल जब कानून बनेगा ये देश के हित में नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल जो हमारे मूल आधार हैं उनके खिलाफ, ये देश को बांटने वाला बिल। लेकिन अपनी जो संख्या उनकी लोकसभा में थी और राज्यसभा में जो उन्होंने जोड़ी उसके आधार पर लोगों की कोई परवाह नहीं की, देश की कोई परवाह नहीं की, देश इस कानून को स्वीकार करे या ना करे उसकी कोई परवाह न करते हुए ये कानून बनाया। विपक्ष को चाहे वो दक्षिण के से हो, पूर्व से हो, पश्चिम से हो, उन सबको ये मालूम था कि देशवासी इस बिल को नकार देंगे और यही हुआ। आज त्रिपुरा से लेकर असम से लेकर मेघालय से लेकर और नीचे केरला तक शायद कोई स्टेट रही हो, शायद कोई यूनिवर्सिटी रही हो, शायद कोई आईआईटी रहा हो, शायद कोई आईआईएम रहा हो या इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर्स हो, वो सब आज सड़कों पर हैं, पूरा देश सड़कों पर है। ये दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरीज इशू की हैं रीजनल चैनल्स को, नेशनल चैनल्स को, रीजनल पेपर्स को, नेशनल पेपर्स को, कि टेलीविजन पे, अखबार पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ नहीं दिखाना। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर में छप रहा है और दुनिया इस सरकार के खिलाफ बोल रही है कि इसने क्या किया। तो इसका जो परिणाम निकला कि आज तमाम बच्चे और तमाम इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए और बच्चे सड़कों पर हैं और जिस बेदर्दी से लाठीचार्ज हो रहा, आज मैं सुबह असम बात कर रहा था, 5 लड़के तो गोली से मारे गए, 21 लड़के गोली से जख्मी हैं, सैकड़ों लोग अंदर जेलों में हैं। तो कश्मीर की तरह ये रिपीट हो रहा है पूरा देश, कश्मीर के बाद नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बाद अब पूरा देश, वही फार्मूला अपनाया गया है। टेलीफोन बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, मैसेज बंद कर दो, टेलीविजन पे कोई खबर ना आए, पेपर में खबर ना आए, सिर्फ पुलिस से काम ले लो। तो ये पुलिस सरकार हो गई है पूरी देश, इसकी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज निंदा करते हैं और यही माननीय राष्ट्रपति जी को हमने बताया। साथियों, इन क्विक एक सेकंड, बस क्विकली ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारी तरफ से कांग्रेस चेयरपर्सन ने जो ज्ञापन दिया उसके मूल में हमने महामहिम से, क्योंकि वो संविधान के संरक्षक है एंड हेड ऑफ द स्टेट है, उनसे गुजारिश की कि महामहिम उन फैसलों से जिनसे संविधान का से फासला बढ़ता है उसके लिए आप सरकार से आग्रह करें हठ धर्मिता त्याग करके पूरे देश को देखें, क्योंकि इसके बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना को कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर हम तमाम दल यहाँ इकट्ठा हैं तो उन तमाम आंदोलनों के पक्ष में है जो इस मूल बापू की 150वीं जयंती में शांतिपूर्ण तरीके से अपने संविधान को वापस चाहते हैं, संवैधानिक मूल्यों की वापसी चाहते हैं। और हमने महामहिम से पहलकदमी का आग्रह किया है कि सरकार से आग्रह करें हठ धर्मिता त्याग कर इस एक्ट को वापस लिया जाए। फ्रेंड्स, बिफोर वी वेंट टू राष्ट्रपति, सम पीपल आस्क्ड मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग टू राष्ट्रपति एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द यूज। President is head of the Indian state and President is the custodian of the constitution. So the parties represented here, we went there to appeal to the President. The Citizenship Amendment Act is unconstitutional. At this point of time, when the whole country is in turmoil, the President should intervene. President should advise the government to withdraw that act, and we also appeal to the President, NRC should not be extended throughout the country, and President is also chancellor of many central universities. So we appeal to the President, he must intervene and stop the brutal attacks on our students
whether it is Jamia or some other universities, why our students should be attacked like this? What is happening in our country? President should take note and intervene and advise the government suitably, appropriately. This is what we pleaded with the president. We respect the constitution, we respect democracy, we respect constitutional morality. Whether the government of the day respects constitution, democracy or constitutional morality, it is a different issue. We respect constitution, we want to defend the constitution, defend democracy, and we want to act in accordance to the constitutional morality. That's why we went to president, we pleaded with president. Now it is for the president how he is going to act. Copies of the letter we are giving. जी हमने राष्ट्रपति जी से पर वाजे किया कि ये सरकार इस गलतफहमी में है कि यही सुप्रीम और सॉवरेन है और न कि आईन, न कि हमारा संविधान, और जो भी ये सीरीज जो भी ये काम कर रही है वो सारे असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने उनसे गुजारिश की है, वो ट्रस्टी हैं हमारी डेमोक्रेसी के, हमारे आईन के, तो उस ट्रस्टी और कस्टोडियन होने के नाते वो इंटरवीन करें और इसको अंडू करें। जो भी ये एक्ट बनाया गया है इसको अंडू करें और उसके साथ साथ उनकी तवज्जो दिलाई। हमने जो भी हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें किस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है उसका नोटिस लेने की इस्तात। वी हैव एक्सप्लेन हिम द सोरोज एंड द एंग्जायटी एंड एंग्विश ऑफ द नेशन। वी हैव एक्सप्लेन द एंटायर थिंग एंड वी हैव सेड दैट वी हैव नॉट गिवन जस्टिस बाय द गवर्नमेंट। वी अपील हिम टू एंश्योर जस्टिस टू अस। इन एडिशन टू दैट वी हैव एक्सप्लेन how cruelly the police behaved in these two universities and turmoil prevailing in our country. This thing we have explained well. We hope. तो दरअसल सीए को लेकर के विपक्षी दल इकट्ठा होकर के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और राष्ट्रपति से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील करने के बाद में आकर के अब मीडिया के सामने अपनी बातें ये सारे के सारे दल के लोग करते हुए देखे। सोनिया गांधी से लेकर के दूसरी तमाम पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने अंदाज में ये बातें रखी।